तस्वीर तेरी मासी दे नूं पता ही नहीं हो कितना टाइम हो गया, मैं तो फिकर लगाया। मम्मी फिकर ना करो, फोन आया सी जाम लगाया बारिश करके तां थोड़ा लेट हो गए हैं। आए हाय मींह ने भी अज ही आना सी, मसी तो उन्होंने मिलना आना सी अज अपनी मासी नूं। तुसीं आ फोनां 'च बड़े रहियो हर वेले, आ गेमां 'चों बाहर निकलो। आज गैबी हुणां ने आउणा, चाह पानी दा कोई जुगाड़ कर लो, खाण नूं कुछ लिआओ, कोई समोसे कोई पकौड़े, चाह दे नाल कुछ रखण नूं। पहले आद लैण दे यार, फिर ले आऊंगा मैं। जे मैं लैण दे तो ठंडे हो जाने सारे, फिर तो बोलना कि ठंडे हो गए, लेके आओ दोबारा। नाले कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगा, जलेबियां भी ले आऊंगा। तेरा तो वो हिसाब आ, कहना मोड़ना नहीं रखा तोड़ना नहीं। आ लो मम्मी पापा, चाचा चाची तो आ भी गए। मत्था टेकदा की गल, तू ओहदी भैण दा घर तां भुल ही गई। एड्डी दूर नहीं है जिन्ने तू समझी बैठे, गेड़ा गुड़ा मार लिया कर, बरागी पई आ तैनू। जी तो मेरा भी करता बहुत मिलने नूं, पर सियाना शरीर आना जाना बड़ा औखा हो जाता। ओए यार बैठदे आपां। आहो ठीक है। आ ले और गुरलीन तेरी स्टडी किद्दां चलदी आ? वधिया चल रही है। एक मिनट मैं तुहाडे वास्ते चाह पानी तां ले आवां। इस वारी ना ब्याहां दे सीजन च तां ओह बंदे भी ब्याहे गए जिन्हां दे ब्याह दी कदे आस भी नहीं सी। आ नाले पता लग्गिआ वी आ तुहाडे जिहड़ा गवांढ भोला सी ओहदा भी किहड़ा ब्याह हुंदा सी हो गया। किद्दां भला ओनू पार्टी शार्टी लेने आ ओहदे तो। आदा भाजी भोला ब्याह आ, जदों दा ब्याह आ ना ब्याह आ एक बराबर ही आ। उदों दा तां दे घरों कलेश ही नहीं मुकदा। बगानियां आण के अड्ड करांदियां पुत्त, 4 महीने विच आण के ओह अड्ड हो के बह गया। आ तां मासी तूं लाख रुपए दी गल कीती आ। इह जिहड़ियां बगानियां ना इही घरां दे विच फर्क पाउंदियां ने। किन्नी चाई चाई आपां ब्याह करदे आ, खुशियां मनाउने आ, पर की पता हुंदा बगानियां दा। ना आ की तुसीं गल करदे हो, आ थोड़े वाली ने किन्ना क तुहानू अड्ड करवाता। ना तू एवं गल जी कट्टने की कोशिश ना करा कर, बेची एवं टंग जड़ा लैनी है तू। ना मासी ने गल तो सही की है, जिन्ने भी घर के पुआड़े पैंदे आ बगानियां ही आके पाउंदियां। नहीं तो पहला भी तो सारे उही भरा भैन भाई किवें हसदे खेडदे हुंदे ने, ते ब्याह तो बाद ही स्यापे पैंदे आ। कदे कोई ब्याह तो पहला भी अड्ड हुंदा देखिया? मैं नहीं कहंदे किन्ना घट कराता। तू अपनी गल क्यों करदी आ? मैं भोले की गल करदा ते मासी भोले की गल करदी आ। तेरे जरूरी सी विच टंग डाउणा? चुप करके तो बह नहीं हुंदा। ਭਾਜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਗੱਲ ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਬਸ ਨੂੰਹ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਾਸੀ ਕੇ ਘਰ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਪੇ। ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲੂ? काम कद एवं आडे च लैंदियां फिरदियां रहंदियां ने। इह गल भोले दी आ, मैं फेर कहना। ओहदी घरवाली ने आई 4थे महीने नूं अड्ड कराता। मां बेचारी इत्थे कंधा च टक्करां मारती फिरदी होनी आ। ओहदे लई कौन जिम्मेवार आ? इहदे लई ओह आप ही जिम्मेवार आ, ना कि बगानी। नाले आ भोला तां पहले ही लग रहिंदा सी। जे तुहानूं याद नहीं ना तां मैं तुहानूं याद करा दिंनी आ। 1 नंबर दा वेलड़ ते नकम्मा बंदा सीगा। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਸੁਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। बिगड़ी औलाद नूं सुधारन लई मां पिओ ब्याह कर दिंदे आ ते बगानी धी दी जिंदगी भी खराब करदे आ तां उत्तों ना लग जांदा ओहदा। दादी मैं लड़ी के जांदे आ। ओह तां तूं ए छोटा आ, तैनूं पता नहीं। जदों तूं ब्याह जाएगा ना फिर तैनूं सारा पता लग जाना है क्यों लड़दे आ। हर घर दे विच कोई ना कोई कलेश तां हुंदा ही आ। ओहदे लई कल्ली नूंह क्यों कसूरवार हुंदी आ, बाकी टब्बर दा कोई कसूर नहीं हुंदा। जे बगानियां इन्नियां ही माड़ियां लगदियां ने तां विआह ही ना कराओ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਆਵੇ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਟੱਕਰੇ। ਜੇ ਧੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਟੱਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਨੌ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ? ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੌ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਇਹ 16 ਅੱਡ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਨੌ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।